दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज एक नया आदेश जारी हुआ है, वो आदेश मैं आपको सीधे पोर्टल पर ले जाकर बताने वाला हूं। देखिए यहां पर आपको बताऊंगा मैं जो आदेश है, आदेश में महत्वपूर्ण सर्कुलर और आदेश जो जारी किए गए हैं उनके लिए आज ही अपडेट किया गया है और यहाँ पर बताया गया है पूरी जानकारी कि जो आवेदक पहले से यानी अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन आधार EKYC पूर्व पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अब देखते हैं पूरा आदेश क्या है, तो इसे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद में ये आदेश आपको दिखाई देगा पोर्टल पर। तो ये आदेश देखिए, यह आदेश हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा आदेश है और इस आदेश में क्या समझाया गया है, बताया गया है, उसकी बात करेंगे। यहाँ बताया गया है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल में पंजीयन, नवीन पंजीयन आधार EKYC पूर्व पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन के संबंध में जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से जारी की गई है। पूरा आदेश आपको बताऊंगा कि विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु ऑनलाइन अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में पंजीयन, नवीन पंजीयन आधार EKYC पूर्व पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। पोर्टल में पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 जो दी गई है वो भी समझाऊंगा, उसके अनुसार होगी। शैक्षणिक सत्र 22-23 में CM राइज विद्यालय में अकादमिक के अतिरिक्त सह अकादमिक स्टाफ भी शामिल है। सह अकादमिक स्टाफ के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सह अकादमिक पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जनरेट होने वाले स्कोर कार्ड की जानकारी विशिष्ट परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध यहाँ पर की गई है। तो नवीन पंजीकरण के लिए नवीन आवेदक पोर्टल पर प्रदर्शित समस्त जानकारी से पंजीकृत करेंगे तथा आधार EKYC करने के उपरांत आवेदक को संकुल प्रचार से सत्यापित कराया जाएगा जिसमें स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। नवीन के लिए नए जो आवेदक हैं उनके लिए सत्यापन प्रक्रिया होगी। अब ऐसे आवेदक की बात कर लेते हैं जो पूर्व से EKYC का और सत्यापन करा चुके हैं। तो आवेदक जिनकी जानकारी सत्यापित नहीं है वे लॉगिन के उपरांत अपनी जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के उपरांत आवेदन को संकुल प्राचार्य से सत्यापित अवश्य कराया जिससे कि स्कोर कार्ड उनका जनरेट हो सके। और पूर्व से यदि सत्यापित है कोई आवेदक तो उसके लिए क्या संशोधन के संबंध में जानकारी दी गई है उसकी बात करेंगे। आवेदक जिनकी जानकारी सत्यापित है उनको आवेदन को अनलॉक करना होगा। अनलॉक प्रक्रिया में आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा जिसको अंकित करने के पश्चात आवेदन अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के पश्चात आवेदक अपनी जानकारी में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यह ध्यान रखा जाए कि संशोधन के उपरांत आवेदन को संकुल प्रचार से सत्यापित कराया जाए जिससे कि स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। अब इसकी समय सारणी जो दी गई है उसकी मैं बात करूंगा। अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन, पूर्व पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन और EKYC संबंधी जो कार्य है वो समय सीमा 10 जून 2000 तक दी गई है। इसी प्रकार आवेदक द्वारा दर्ज की गई जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन किया जाएगा। 11 जून तक यहाँ पर आवेदन जो सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी। आगे देखिए, रिट पिटीशन WP जो दी गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय जिनमें उपलब्ध पैनल जिनके आधार पर शैक्षणिक सत्र 21-22 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए थे इस प्रकार के विद्यालय में पैनल यथावत रहेंगे, अर्थात जो पिछले वर्ष जो पैनल तैयार किया गया था उसी पैनल के अनुसार ही यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ये कहा गया नया पैनल नहीं बनेगा। समस्त संकुल प्राचार्य सुनिश्चित करें कि उक्त तिथियों में सत्यापन संबंधी कार्य हेतु उपस्थित आवेदकों के आवेदन में दर्ज जानकारी को उनके अंक सूची प्रमाण पत्र से मिलान कर सत्यापन का कार्य पूर्ण करें तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिथि शिक्षक कार्य हेतु चिन्हित नोडल अधिकारी उक्त कार्य की समीक्षा का प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करें तथा यह सुनिश्चित करें कि संकुल कार्यालय में उपस्थित आवेदकों के आवेदन सत्यापन संबंधी कार्य समय सीमा में पूर्ण हो। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए कैसे करना है, जो नवीन आवेदक हैं वो कैसे करेंगे कि अतिथि शिक्षक के लिए नवीन पंजीयन करने हेतु
मोबाइल नंबर दर्ज करें तथा ओटीपी जनरेट करें। यहां पर देखिए आपको मोबाइल नंबर जैसे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर डालना होगा और जनरेट ओटीपी करना होगा। इसके बाद में यहां पे देखिए वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी दर्ज करना होगा, वेरीफाई करना होगा, इस स्वयं का समग्र आईडी डालना होगा। इसके बाद फैमिली आईडी भी दर्ज करनी होगी और समग्र आईडी एवं फैमिली आईडी जानने के लिए समग्र जो samagra.gov.in है इस पर जाना होगा। इसके बाद में समग्र पोर्टल से आपको अपनी आईडी निकालना होगा। इसके बाद समग्र आईडी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करना होगा। स्वयं का आधार नंबर दर्ज करने के बाद में देखिए ओटीपी आएगी, उसके लिए फिर आगे प्रोसेस आपको करनी होगी। समग्र नागरिक सेवा पोर्टल से ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, उसके अनुसार पूरी जानकारी आपको आ जाएगी और फिर इसके बाद में आवेदक स्वयं का पता दर्ज कर पाएंगे। यूज़र एंड पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा आपको और लॉगिन कर स्क्रीन पर इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये थी पूरी जानकारी जो हमने आपको बताया। और यहाँ से देखिए आप अपना क्वालिफिकेशन इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पे, जानकारी दी गई है। और प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करके यहाँ से प्रिंट आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी आपके सामने दी गई है। संकुल प्रचारी इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। ये पूरी पीपीटी दी गई है, हम इसे आपको shikshasamachar.com पर भी ये दे सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी ये पूरी पीपीटी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। नमस्कार।